बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर वन करना है, 1.2 क्वेश्चन नंबर वन, जिसमें हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन दिया होगा, उसमें चार पार्ट फाइंड करना है। पहला है एफ सर्कल जी ऑफ एक्स, सेकेंड है जी सर्कल एफ ऑफ एक्स, थर्ड पार्ट में एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स और लास्ट में जी सर्कल जी ऑफ एक्स। ये चार पार्ट है। सबसे पहले आपको पता हो कि एफ सर इसको कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, एफ सर्कल जी ऑफ एक्स को। इसको अगर हम ओपन करें तो ये आ गया एफ इंटू जी ऑफ एक्स, यानी पहले जी ऑफ एक्स निकालेंगे फिर एफ में वो ऑपरेट करेंगे। सिमिलरली जी सर्कल एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, जी इन टू एफ ऑफ एक्स, यानी पहले एफ ऑफ एक्स को जी में ऑपरेट करेंगे। फिर है एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स, ये होता है एफ इन टू एफ ऑफ एक्स, और लास्ट में है जी सर्कल जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी इन टू जी ऑफ एक्स। ये चार फॉर्मूले आप लिख लें कि एफ सर्कल जी ऑफ एक्स है एफ इन टू जी ऑफ एक्स, जी सर्कल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी इन टू एफ ऑफ एक्स, एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इन टू एफ ऑफ एक्स, और जी सर्कल जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी इन टू जी ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन पहला पार्ट है, जिसमें एफ ऑफ एक्स दियो है 2x+1 और जी ऑफ एक्स दियो है 3/x-1। तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ सर्कल जी ऑफ एक्स। तो एफ सर्कल जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था, एफ इन टू जी ऑफ एक्स, एफ इन टू जी ऑफ एक्स, एफ की जगह एफ और जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स की वैल्यू 3/x-1। अब आपने करना क्या है कि जो फंक्शन आपको एफ, क्योंकि अब पहले था एफ इन टू जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपने लगा दी, अब ये फंक्शन क्या है आपके पास, एफ ऑफ 3/x+3/x-1, यानी जो आपके पास फंक्शन दिया है एफ वाला, उसमें आपने एक्स की जगह ये लगा देना है। यानी बाहर फंक्शन एफ है ना, तो एफ की जगह आपने क्या लगा, अगर इधर एक्स है तो इधर भी एक्स है, अब एक्स की जगह क्या आ चुका है 3/x-1। तो जहाँ पे फंक्शन एफ है वो ढूंढें, ये एफ ऑफ एक्स है, लेकिन अब एफ ऑफ एक्स नहीं, एफ ऑफ 3/x-1 निकालना है। अगर इधर एक्स है तो 2 के साथ एक्स आ रहा है, अब फंक्शन के साथ क्या है 3/x-1, तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x की जगह क्या आ जाएगा 3/x-1+1। यानी जो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वहाँ एक्स की जगह आपने क्या लगा देना है 3/x-1। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x+1, तो 2 की जगह 2x की जगह 3/x-1+1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये x-1 एलसीएम आएगा, तो 2 3 6+1 इंटू x-1, यानी x-1 किस से मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये आएगा 6+1x, यानी x-1/x-1। तो ये आपके पास आ जाएगा, पहले x लिख लें, यानी 6-1 5+x/x-1। तो ये आपका आंसर आ गया। तो दोबारा से मैंने इसको, क्योंकि इसमें आपने कंपोजिट फंक्शन का फार्मूला इस्तेमाल करना है, एफ सर्कल जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इन टू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स भी दिया होगा जी ऑफ एक्स भी दिया होगा, आप क्या करेंगे एफ की जगह एफ और जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स की वैल्यू 3/x-1। उसके बाद 3/x-1 जो आपके पास फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है, उसमें जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ये कीमत पुट कर दें 3/x-1। ये एफ ऑफ एक्स में जहाँ पर x है वहाँ पे क्या लगा देंगे 3/x-1, यानी 2x की जगह 3/x-1 और प्लस 1। तो ये फंक्शन में f ऑफ x की वैल्यू ये है ना, दोबारा साथ ले लेते हैं 2x+1, अगर इधर x है तो इधर भी x, अब हम निकालना है f ऑफ 3/x-1, x की जगह क्या आ चुका है 3/x-1, तो इधर भी क्या आ जाएगा 2x की जगह 3/x-1 फिर प्लस फिर 1। ये मैंने इधर लिख दी 2 × 3/x-1+1, इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है जी सर्कल एफ ऑफ
एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी इंटू एफ ऑफ एक्स। अब जी की जगह जी और एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x+1। अब आप क्या करेंगे, रफ पे लिख लें जी ऑफ एक्स आपके पास है 3/x-1, ये जी ऑफ एक्स है। हमने फाइंड क्या करना है, जी ऑफ 2x+1। गौर से देखें, अगर इधर एक्स है तो इधर भी एक्स। अब एक्स की जगह क्या आ गया, 2x+1, तो 3 की जगह 3 आएगा। अगर इधर एक्स है तो इधर एक्स, अगर इधर 2x+1 है तो इस एक्स की जगह 2x+1-1। तो क्या फॉर्मूला बन गया, 3/2x+1-1। फिर देखें फॉर्मूला, जी सर्कल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी इंटू एफ ऑफ एक्स, जी की जगह जी, एफ ऑफ एक्स की जगह 2x+1। उसके बाद क्या आएगा आपके पास कि जी ऑफ एक्स ये है, अगर इधर एक्स है तो इधर भी एक्स। अब इधर क्या है, एक्स नहीं है बल्कि 2x+1 है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, 3/x की जगह 2x+1-1। मैंने रफ पे समझा दिए कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3/x-1, इधर एक्स है तो इधर एक्स, इधर अगर 2x+1 है तो इधर भी 2x+1, यानी 3/2x+1-1। तो ये आपके पास 1 1 से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 3/2x, 3/2x। ये बी पार्ट हो गया आपका। सी पार्ट आप करते हैं, एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स। फार्मूला क्या बताता है, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स। आप एफ लिखें और एफ ऑफ एक्स की कीमत लगाने कितनी है, 2x+1। अब रफ ख्याल करते हैं कि एफ ऑफ एक्स कितना है, 2x+1। आपने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 2x+1। गौर से देखें, अगर इधर एक्स है तो इधर एक्स, अब एक्स की जगह क्या आ गया, 2x+, यानी इधर एक्स है तो इधर एक्स, इधर अगर 2x+1 हो तो इधर भी क्या आ जाएगा, 2x+1। यानी एक्स की जगह 2x+1, तो इधर आंसर में भी 2 की जगह 2, एक्स की जगह 2x+1+1, तो इधर बन जाएगा 2 × 2x+1+1। फिर देख लेते हैं, एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ की जगह एफ, एफ ऑफ एक्स की जगह 2x+1। फिर दोबारा ये 2x+1 किस पे ऑपरेट करना है, एफ पे, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है। अगर एक्स है तो इधर भी एक्स, अगर इधर क्या आ गया, 2x+1, तो इधर भी 2 की जगह 2, एक्स की जगह 2x+1+1। ये रफ मैंने कर दिया था कि एफ ऑफ एक्स 2x+1 है। मैंने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 2x+1, अगर इधर एक्स है तो इधर एक्स, एक्स की जगह अगर 2x+1 आ गया तो इस एक्स की जगह भी 2x+1। तो ये 2 2 ज़ार 4x, 2 1 ज़ार 2+1, तो ये 4x+3। आंसर क्या आ गया, 4x+3। बड़े आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ फंक्शन की वैल्यू कैसे पुट करनी है ये आपको पता होना चाहिए। चौथा पार्ट, जी सर्कल जी ऑफ एक्स क्या होता है, जी इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये जी और जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें क्या आएगी, 3/x-1, 3/x-1। रफ पे लिख लेते हैं दोबारा, जी ऑफ एक्स क्या होता है, 3/x-1। आप दोबारा देख लें, अगर इधर एक्स है तो इधर भी एक्स, लेकिन हमने क्या फाइंड करना, जी ऑफ 3/x-1। क्या मतलब, इधर एक्स है तो इधर एक्स, एक्स की जगह अगर 3/x-1 आ गया तो इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 3/x की जगह 3/x-1-1। फिर समझ लें, जी सर्कल जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इंटू जी ऑफ एक्स, जी की जगह जी और जी ऑफ एक्स की जगह 3/x-1। जी ऑफ एक्स का फॉर्मूला की कीमत फिर दोबारा रफ पे लिख लें, 3/x-1। गौर से देखें, एक्स है तो इधर एक्स, लेकिन मुझे फाइंड करना है जी ऑफ 3/x-1, यानी एक्स की जगह क्या आ चुका है, 3/x-1, इधर भी, तो रिजल्ट में भी 3 की जगह 3, एक्स की जगह 3/x-1, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1। तो हमारा आंसर क्या बन गया, 3/3/x-1-1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स माइनस वन क्या आएगा, एलसीएम, 3 − x-1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 × x-1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, इक्वल टू
ओवर थ्री माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस वन होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, थ्री डिवाइड बाई थ्री प्लस वन फोर माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस वन इक्वल टू थ्री, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा एक्स माइनस वन ओवर फोर माइनस एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आज आपने कंपोजिट फंक्शन में चार फॉर्मूले सीखे हैं, एफ सर्कल जी ऑफ एक्स, दोबारा मैं लिखता हूँ फॉर्मूले ताकि आप इनको लिख लें और तैयार कर लें, एफ सर्कल जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इंटू जी ऑफ एक्स, जी सर्कल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, और जी सर्कल जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी इंटू जी ऑफ एक्स। ये चार फॉर्मूले जो हैं ये आप तैयार कर लें और इनसे रिलेटेड आपने क्वेश्चन वन हल कर लिया, क्वेश्चन टू आपने खुद करना है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।